दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टमाटर से पाउडर घर पर कैसे बनाते हैं के बारे में बताने वाली हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, intohindi.com के इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे जानकारी की वीडियो लाने वाली हूं, तो यदि आपने अभी तक इंटो हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फ्री में रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों टमाटर से पाउडर बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए कुछ कच्चे टमाटर और एक प्लास्टिक का पेपर के साथ में ग्राइंडर पाउडर मशीन, जिसकी सहायता से आप टमाटर का पाउडर बना सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं टमाटर से पाउडर कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप सबसे पहले कच्चे टमाटर को छोटे छोटे भाग में काट लीजिए, और जब आपका पूरा टमाटर छोटे छोटे भाग में कट जाए तब इसे प्लास्टिक के पेपर पर थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर सभी टमाटर के कटे हुए भाग को बिछा दीजिए, और इसके बाद इसे कुछ दिनों के लिए धूप में इसी प्रकार इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों अगले 2-3 दिनों तक आपको प्रतिदिन इस कटे हुए टमाटर के भाग को धूप में सुखाना है, और जब यह टमाटर का कटा हुआ भाग पूरी तरह से सूख जाए तब इसे ग्राइंडर पाउडर मशीन में थोड़ा थोड़ा डालकर पाउडर तैयार कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों आप इस टमाटो पाउडर को किसी शीशे की बोतल में भर कर रख लीजिए, और जब आपको इसकी जरूरत पड़े तब आप इसे निकाल कर यूज कर सकते हैं अपने किचन में किसी खाने पीने की चीज को तैयार करने में, और जिसकी टेस्टी बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि आपने इस टमाटर के पाउडर को अपने घर पर ही बिना किसी भी केमिकल का इस्तेमाल किए बगैर तैयार किया है। जी बिल्कुल ही दोस्तों, और आप इस टमाटर के पाउडर को आसानी से 1 साल तक रख कर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग यह अच्छी तरह जान चुके होंगे कि टमाटर का पाउडर घर पर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई जानकारी के साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।